सर्दी आ गई है दोस्तों। भाई विंग्स वाले सबसे जल्दी सर्दियां बनाना स्टार्ट कर दिए है। यह विंग्स फैंटम, यह विंग्स फैंटम प्रो विंटर एडिशन एंड ये पूरे व्हाइट कलर में देखते हैं। गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज़ टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए मुझे ये दो TWS कैसे लगे। डब्बा खोल बात करें तो दोनों के बॉक्सेस ऑलमोस्ट सेम है, एक के ऊपर फैंटम लिखा है, दूसरे के ऊपर फैंटम प्रो लिखा है। राइट साइड पे आपको दोनों में ही सेम की हाइलाइट्स मिल जाएगी एंड बॉक्स के अंदर कंटेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम है। बॉक्स खोला, सबसे पहले आपको आपके ईयरफोन्स मिल जाएंगे, उसके बाद नीचे एक टाइप सी केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, वारंटी कार्ड एंड मैनुअल मिल जाएगी। भाई ये दोनों TWS पहले ब्लैक कलर में लॉन्च हुए थे, विंटर आया तो भाई व्हाइट कलर में कर दिए गए। दोनों दिखने में काफी सही लग रहे, जहाँ पे ब्लैक था उसकी जगह व्हाइट है एंड जहाँ पे ग्रीन यूज होता था उसकी जगह ब्लू किया गया। विंग का ब्रांडिंग दोनों में दिया गया ब्लू कलर में, ऊपर LEDs दी गई है दोनों में ब्लू कलर में, टाइप सी का पोर्ट पीछे दिया गया है, मैट फिनिश है एंड सही में प्रीमियम दिख कर आते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, विंग्स फैंटम जो है ये थोड़े से छोटे हैं, प्रो थोड़े से ज्यादा बड़े हैं, तो शायद आपको कैरी करने में प्रॉब्लम जाए, बट प्रो ज्यादा अच्छे दिखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट डिजाइन है, अंदर के बर्ड्स एकदम क्लियरली दिखते हैं जो अच्छे दिख कर आते हैं। दिखने में डेफिनेटली प्रो बेटर दिखते हैं, बट आपको थोड़े से कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप नॉर्मल वाले फैंटम ले सकते हो। भाई इनकी जो ब्लू ब्लू आंखें है केस के ऊपर, जो LEDs है सही में बहुत मस्त दिखती है। विंग्स की LEDs में मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि ये जल्दी बंद नहीं होती है, मतलब डब्बी बंद की उसके बाद 10-15 मिनट तक ये चालू रहती है। ये दोनों बर्ड्स में सिर्फ डब्बियों की डिजाइन का फर्क है एंड बाकी सब सेम है एक्सेप्ट बैटरी लाइफ, इसके बारे में आगे आपको बता दूंगा। बर्ड्स भी काफी सही कर दिए, ब्लैक से व्हाइट कर दिए, ग्रीन की जगह ब्लू कर दिया एंड दिखने में अच्छे दिखते हैं, एकदम मैट फिनिश है, प्रीमियम दिखते हैं, स्टेम डिजाइन है, आपके कानों में अच्छे से बैठ जाएगा। विंग्स का ब्रांडिंग है, नीचे माइक दिया गया है। ये बर्ड्स IPX5 रेटेड भी है, तो जिम वर्कआउट हल्की फुल्की बारिश नो प्रॉब्लम एंड इनका कंफर्ट सही में बहुत अच्छा है, 4-5 घंटे आप इजीली पहन के रख सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। कनेक्शंस बहुत फास्ट है, ब्लूटूथ 5 है, फास्ट पेयरिंग है, मतलब खोला झटपट आपके 2-3 सेकंड में फोन से पेयर हो जाएंगे, ये काफी सही है। मोनोपॉड फीचर बहुत अच्छा काम करता है, 9-10 मीटर का रेंज इजीली हैंडल कर लेते हैं। भाई इन TWS का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू भी बनाया है, मैं ऊपर कार्ड में दे दूंगा लिंक, के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। एंड अगर वीडियो देखते देखते यहां तक आ गए तो इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, हम 50,000 के बहुत पास है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, हम 1,000 फॉलोअर्स के बहुत पास है। टच कंट्रोल भाई यहाँ सब है, वॉल्यूम कंट्रोल, म्यूजिक प्ले पॉज, नेक्स्ट प्रीवियस सब कुछ है एंड गेमिंग मोड अप टू 65 मिलीसेकंड, राइट वाले में बस 1.5-2 सेकंड होल्ड करके रखना है एंड गेमिंग मोड काफी इंप्रूव कर देता है गेमिंग एक्सपीरियंस। छोटा सा टेस्ट भी बनाया है, सुन लो। वन ऑफ द फर्स्ट TWS थे फैंटम जिनमें 65 मिलीसेकंड का गेमिंग मोड था एंड भाई वो गेमिंग एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव हो जाएगा आपको, आपको मजा आएगा 100%। साउंड क्वालिटी यहाँ पे अच्छी है, 12mm के ड्राइवर्स है, बेस मिलेगा, थंप मिलेगा, बट बहुत ज्यादा बेस हैवी नहीं है, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा बेस हल्का फुल्का बैलेंस्ड या थोड़ा सा बैलेंस के ऊपर है। ट्रेबल्स काफी क्लियर है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन अच्छा है, वोकल्स हल्के से सप्रेस होते हैं, बट मैंने वो बताया हर बजट ईयरफोन में होता ही है। सो इन टर्म्स ऑफ साउंड मैं बोलूंगा काफी अच्छा साउंड है, क्लियर है, आपको प्रॉब्लम होगा नहीं मेरे हिसाब से, बट आप अगर एक बेस हेड हो तो वहां पे शायद आपको थोड़ी सी कमी लगेगी। इन दोनों के बड सेम है इसलिए मैं एक ही माइक टेस्ट बना रहा हूँ, आप सुन लो। तो फ्रेंड्स अभी मैं यूज कर रहा हूँ विंग्स के फैंटम एंड फैंटम प्रो, दोनों ही सेम है। मैं मेरे स्टूडियो में बैठा हूँ, मेरे पर फुल स्पीड में फैन भी शुरू है। ये ऑडियो सुन के आप खुद जज कर सकते हो कि ड्यूरिंग कॉल इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसे सुनने को मिलेगी। इन दोनों बर्ड्स में डिजाइन छोड़ के एक और डिफरेंस है, वो है बैटरी लाइफ। बर्ड्स की तो मैंने बता दिया, सेम बर्ड सेम बैटरी लाइफ अप टू 4.5 आवर्स जो मेरे हिसाब से सही है, फास्ट चार्ज होते हैं, 1-2 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं बर्ड्स। ये केसेस यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है अप टू 20 आवर्स, मेरा यूजेज 17-18 आवर्स एंड यहाँ पे कंपनी क्लेम कर रही है 30 आवर्स, मेरा यूजेज 26-27 आवर्स। तो ये बड़ा डिजाइन मतलब थोड़ी ज्यादा बैटरी लाइफ, बाकी इन दोनों बर्ड्स में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। एंड मैंने पहले भी बताया विंग्स फैंटम काफी अच्छे TWS थे, फैंटम प्रो भी बहुत अच्छे TWS थे एंड ये TWS भी ऑफकोर्स उतने ही अच्छे, अच्छा साउंड, बहुत अच्छा गेमिंग मोड, डिजाइन में काफी प्रीमियम एंड नए दिख कर आते हैं, आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस प्रोडक्ट में। एंड अगर आपको इनमें से कोई भी बाय करना है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1,00,000 पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।